क्या होता है? अपना कहाँ तक हो गया था? मार्कशीट बनाना आ गया सभी को? आ गया मार्कशीट बनाना? नहीं यार, एक बार रिवीजन करा दे क्या? कल रिवीजन ही कराया, परसों की छुट्टी। याद भी करने पड़ेंगे, अगर आप उनको समझ लें तो भी बहुत सारा लग। अपन क्या करना है, पहले सबसे पहले सीरियल नंबर लिख लेते हैं। सीरियल नंबर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने 1 लिख दिया और यहाँ पे 2। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे और ड्रैग कर देंगे, ठीक है। अब हमें इनको एडजस्ट करना ऑटोमेटिक, तो क्या करेंगे, यहाँ पर साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाइए, ठीक है। या तो आप यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर क्लिक करके आप इसको इस तरह से ड्रैग भी कर सकते हो, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आपको सही से दिखने लगे। अब हम यहाँ पर, आप स्टूडेंट मतलब आप मार्कशीट बनाते हैं, तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, या तो स्टूडेंट का नाम लिखेंगे या फिर उनका रोल नंबर लिखेंगे। तो अपन यहाँ पर रोल नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। रोल नंबर अपन इस तरह से लिख लेते हैं, जैसे 2023 के स्टूडेंट है तो अपन ने 2023 101, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम 2023 102, और इसे ही हम यहाँ पर ट्रैक कर देते हैं। इसी तरह से रहते हैं रोल नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग। अगर इस तरह का कोई डाटा है जिसमें जैसे पीछे की सीरीज या फिर कुछ ऐसे 1 का गैप है, 2 का गैप है, या किसी संख्या का गैप है, तो आप इस तरह से उसमें ड्रैग कर सकते हो आप उसको, ठीक है। साइड में माउस पॉइंटर लेकर जा रहे हैं, माउस पॉइंटर का आपको ध्यान रखना है, ड्रैग कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद रोल नंबर के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट के नेम की, इस जो भी स्टूडेंट है उसके किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर आए। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर लिख लेते हैं हिंदी, टैब दबाएंगे, और फिर अगला जो है सब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक है। फिर से हम टैब दबा रहे हैं, और साइंस, फिर टैब, अपन टैब से क्या रहता है अगला उसमें पहुंच जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मैथ, फिर टैब दबा रहे हैं, और सोशल साइंस, ऐसे लिख दिया टैब। अब लास्ट बचा बचा है संस्कृत, ठीक है, क्योंकि अपन 10th की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए, अगर आपने टैब की का यूज किया है, ठीक है, और आप अब दबा रहे हैं एंटर, एंटर दबाते हैं नॉर्मली तो क्या होता है, अगर अपना ये यहाँ पर है तो नीचे वाले में जाता है, लेकिन हमने टैब से किया है, देखिए हम एंटर दबा रहे हैं, जहां से हमने टैब स्टार्ट किया था वो उसी के नीचे पहुंचा देता है। लेकिन अगर आप इसके द्वारा करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एरो की का यूज किया, एंटर दबा रहे हैं, तो उसके नीचे वाले उसमें पहुंचा रहे हैं, ठीक है। नंबर जब भी आप यहाँ पर मार्कशीट बनाओगे तो आपको क्या करना है, नंबर टाइप करने, लेकिन हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें बहुत सारे नंबर टाइप नहीं करनी है, ठीक है। जैसे कि एमएस वर्ड में अपन फॉर्मूला लेते थे रैंड का, इसलिए लेते थे कि अपन को पैराग्राफ चाहिए रिविजन करने के लिए। इसी तरह से यहाँ पर हम रैंड बिटवीन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, हमें यहाँ पर कुछ नंबर चाहिए। जब भी आप इसमें कोई फंक्शन लेते हैं, जैसे किस तरह का रैंड बिटवीन सम या कुछ अदर फंक्शन लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसका सिंटैक्स, यानी कि आपको उस फॉर्मूले को किस तरह से लिखना है, नीचे दे देता है। देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, रैंड बिटवीन अपन लिख चुके हैं, रैंड बिटवीन। फिर इसके बाद क्या आ रहा है, कॉमा, सॉरी ब्रैकेट, तो ब्रैकेट भी लगा चुके हैं। अब इसके बाद क्या आ रहा है, बॉटम, बॉटम थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है, मतलब आप छोटी संख्या दीजिए कि आपको, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया है 30, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लगा हुआ है, कॉमा, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, कॉमा। तो ये देखिए टॉप में पहुंच गए, अब टॉप को हाईलाइट कर दिया। बड़ी वाली संख्या दीजिए कि आप इसे कितने से कितने के बीच में लेना चाहते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं 100, या फिर हमने लिख दिया 95, ठीक है। 30 से हमें 95 के बीच में चाहिए। अब हम देखिए ब्रैकेट जैसे ही हम क्लोज करेंगे, देखिए इसके बाद क्या है, ब्रैकेट स्टार्ट किया था तो ब्रैकेट अपन को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, तो अपन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, ड्रैग करना। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर तो जो संख्या है वो शो कर रही है, लेकिन फॉर्मूला बार में क्या शो कर रहा है, इसमें जो भी अपन ने फॉर्मूला अप्लाई किया है वो साइड में, इस पर माउस पॉइंटर अपन लेकर जा रहे हैं, ठीक है। माउस पॉइंटर चेंज होगा, हम इसको यहाँ पर ड्रैग कर देते हैं, नीचे की साइड ड्रैग कर देते हैं और यहाँ पर साइड में ड्रैग कर देते हैं। अगर अभी आपने इसको नॉर्मली मतलब आ गए अपने पास तो नंबर्स, लेकिन जब आप एक भी कोई नंबर चेंज करते हैं तो सभी नंबर्स चेंज होते हैं,
और आप देख रहे हैं यहाँ पर फॉर्मूला भी शो हो रहा है, हमें इन नंबर्स को क्या करना है, नॉर्मल करना है। तो उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से हम इसको कॉपी करेंगे, आप पेस्ट ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ से 1, 2, 3 पेस्ट वैल्यूज पर क्लिक कर देंगे, या फिर आप राइट क्लिक करके यहाँ पर भी आता है ये 1, 2, 3 लिखा हुआ पेस्ट वैल्यू, इस पर भी क्लिक करेंगे। अगर आप वही का वही पेस्ट करोगे तो जो भी है इसमें वही का वही पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट भी अलग अलग तरह के रहते हैं, आपको जैसे कि कोई इमेज पेस्ट करनी है उसके लिए अलग रहता है, इसलिए तो यहाँ पर बहुत सारे पेस्ट अलग अलग टाइप के दिए। देखो ये ओनली नॉर्मल पेस्ट है, आप इस पर जाएंगे, कोई फॉर्मूला ओनली पेस्ट करना है उसमें, आप कोई टेक्स्ट ले रहे हैं टेक्स्ट नहीं करना, फॉर्मूला ओनली ओनली पेस्ट करना है। यहाँ पर फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग वाले हैं, ये इस तरह स्कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के रहते हैं इसमें, ठीक है। तो हमने ये ले लिया, इतना क्लियर है, इतने में कोई डाउट नहीं है। अब अपन को क्या निकालना है, इन सभी नंबर, इन सभी स्टूडेंट का क्या निकालना है, टोटल नंबर निकालना है। तो इसलिए अपन यहाँ पर लिख देते हैं टोटल, और आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ अगर एक एक करके निकालना है तो आप वो भी कर सकते हो, अगर एक साथ सभी स्टूडेंट का निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो, अपन एक एक करके निकाल लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि ये स्टूडेंट है, इसका रोल नंबर लास्ट में 101 है, हमें इस स्टूडेंट के क्या करना है, टोटल नंबर निकालने हैं। तो आप क्या करोगे, इन सभी को प्लस करोगे, ठीक है, तो टोटल नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे कि इसको 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 प्लस कर दिया तो सिर्फ इसका आएगा, सभी का आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। अपन चाहते हैं हमें सिर्फ एक का निकालना है और सभी के ऑटोमेटिक आ जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इन सभी को क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। सम फॉर्मूला क्या करता है कि आपने जो भी सेल सिलेक्ट की है और एक एक्स्ट्रा सेल अपन सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें अपन को आंसर चाहिए, अगर एक्स्ट्रा सेल सिलेक्ट नहीं करते तो वो नीचे दे देता है या फिर उसके अकॉर्डिंग दे देता है जहां पर भी उसको जगह मिलती है। तो अपन ने एक्स्ट्रा सेल सिलेक्ट किया, ऑटो सम पर क्लिक कर दिया, इसने क्या किया, सम कर दिया। कैसे, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला शो कर रहा है, एक पर सम सी 3 और रेंज का साइन बताया था, ये क्या होता है, बीच में डॉट रहते हैं, रेंज का साइन, और ये H3 C3 यानी कि ये वाला सेल, ठीक है, और H3 यानी कि ये वाला सेल, यहाँ से लेकर यहाँ तक का उसने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब अगर बीच में आपका कोई नंबर चेंज होता है तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो भी चेंज होता है। अब आपको कुछ नहीं करना, इस पर क्लिक करिए, इसके अंदर जो अगर किसी सेल में नॉर्मली कोई भी चीज लिखी रहती है, जैसे कि हमने यहाँ पर 32 लिखा हुआ, अगर हम इसको साइड में माउस पॉइंटर ले जाकर ड्रैग करते हैं तो वही की वही संख्या ड्रैग हो रही है। लेकिन अगर आपने किसी सेल में कोई फॉर्मूला लगाया हुआ है तो उसको अगर आप ड्रैग करते हैं तो उसके अंदर जो फॉर्मूला लगा रहता है वो ड्रैग होता है, ठीक है। अब अपन को देखना है, देखिए इसमें क्या आ रहा है, C3 से H3, इस पर हम क्लिक कर रहे हैं, क्या आ रहा है, C4 से H4, बता रहा है, मतलब उसने सेल एड्रेस ले लिया, चेंज कर लिया, इतना क्लियर है, कर लेंगे, क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद अगला है अपना परसेंटेज निकालना, ठीक है, हमने इतना ही लिख देते हैं, हम लिख दिया यहाँ पर परसेंटेज और डॉट लगा देते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए अपन को क्या होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि स्टूडेंट के टोटल कितने नंबर आए हैं और टोटल कितने में से आए हैं। अगर 5 सब्जेक्ट है तो अपन लिखेंगे 500, मतलब अगर 100-100 नंबर के सभी हैं तो, और अगर आपके 4 सब्जेक्ट है या जितने भी नंबर है उतने के अकॉर्डिंग अपन निकालेंगे। नॉर्मली अपन परसेंटेज निकालते हैं टोटल के बेस पर, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, टोटल का सेल एड्रेस लेंगे। सेल एड्रेस क्यों ले रहे हैं कि अगर इस सेल में कोई संख्या चेंज होती है तो वहां भी चेंज होगी, इसलिए सेल एड्रेस लेंगे, इनटू करते हैं 100 का, ठीक है, और डिवाइड करते हैं अपन जितने भी टोटल सब्जेक्ट के नंबर है, 600 है, मतलब 6 सब्जेक्ट है तो टोटल नंबर कितने होने चाहिए, 600। तो अपन यहाँ पर इस तरह से ये फंक्शन लगा देंगे, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर पॉइंट के बाद की संख्या कितनी रखना चाहते हैं, अगर आप यहाँ से कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं, लेकिन अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आप ये बता रहे हैं कोई चीज हम आपको बता, अगर आप यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस कम करते हैं, देखिए हमने बढ़ा दी तो क्या आ रहा है, 57.83। पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि अपन क्या करते हैं 99 पैसे तक गिनते हैं, अगर उसमें 1 पैसा और मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, 1 रुपए बन जाता है। तो यहाँ पर अगर पॉइंट के बाद 5 से बड़ी संख्या रहती है तो वो अपन, आपने देखा होगा मैथ्स में, अगर अपन पॉइंट हटाते हैं
अगर 5 से बड़ी संख्या है पॉइंट के बाद तो वो क्या होती है?